खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां जिलाधिकारी सौरभ गहरवार पिछले 4 दिनों से ग्राउंड जीरो से अपनी टीम के साथ रेस्क्यू कार्य करने में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान के दौरान ही जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने कहा कि केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुए पैदल एवं सड़क मार्ग को पुनर्स्थापित करना ही जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके अलावा केदारनाथ में जो लोग रह रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत ही जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन को पूरा यकीन है कि सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर श्री केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू कर लिया जाएगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। बेसिकली जैसे हमारे टोटल अभी तक 10,000 प्लस यात्री रेस्क्यू किए जा चुके हैं। जैसे आज भी लगभग 550 हेली रेस्क्यू हैं और लगभग 350 पैदल मार्ग के बाद रेस्क्यू हैं। अब इसके साथ साथ में अब हर जगह पे कॉम्बिंग की जा रही है, SDRF NDRF DDRF की टीम के साथ में हर एरियाज़ में टीम जा रही है। वो ये देख रही है कि कहीं पर कोई पिलग्रिम है तो नहीं। साथ ही साथ में आज ये भी प्रयास किया गया कि जो हमारा सोनप्रयाग का रास्ता जो टूट गया है वहाँ पर आर्मी की सपोर्ट लिया गया और उस पर एक पैदल एक पुलिया का निर्माण किया गया है, जिससे कि कोई भी अगर सामान हमें इस पार से उस पार भेजना है उसको हम अविलंब भेज सकें। साथ ही साथ में कोई अगर बहुत ही बुजुर्ग या कोई चोटिल इधर आ जाए तो उसको भी हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकें, जब तक कि मूल काम वहाँ पे स्टार्ट हम लोग ना कर पाए। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी यही थी कि जितने भी जो हेलीपैड्स हैं और वहाँ पर अगर लोग हैं तो सबसे पहले हमें उनको रेस्क्यू करें। तो विगत 30 दिवस से इसी में हम लोग कार्य कर रहे थे। श्री जी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी त्वरित रूप से एक चिनूक और MI की मांग थी, जिसको हमें तुरंत मिल गया, परंतु केदारनाथ प्रॉपर में वहाँ पे हेली इसको संचालन करना मुश्किल हो पा रहा था वेदर को लेकर के। परंतु जो हमारे पास यहाँ सिविलियन हेली थे उससे हमने लोगों को लिंचोली और भीमबल्ली ला करके, इवन चीरबासा ला करके भी लाने से हम उनको जल्दी रेस्क्यू कर पाए। जो हमारा टास्क है वो हमारा जो NH पार्ट है जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में है, इसको हम रिस्टोर करना चाहेंगे जल्द से जल्द में, और आज से हमारा काम स्टार्ट भी हो गया है। रेस्क्यू के साथ अब हम रिस्टोरेशन पर भी फोकस करेंगे। इसी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं कि रिस्टोरेशन काम को जल्द से जल्द किया जाए, जिससे पैदल यात्रा सुचारू की जा सके। आज मॉर्निंग में लगभग 600 के आसपास केदारनाथ में यात्री थे, जिनमें से अधिकांश को निकाल लिया गया है। एक फाइनल टेबुलेशन किया जा रहा है, जिसके अगर केदारनाथ हमारा हेली नहीं चल पा रहा तो उनको हम लोग लिंचोली या भीमबली ला करके रेस्क्यू कर रहे हैं। अब ऐसे टीम पर भरोसा था और बाकी सभी लोगों का, लोकल का सपोर्ट था, हमारे जितने मीडिया बंधु हैं इन लोग का भी सपोर्ट था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हर चीज़ पर ध्यान रखा जा रहा था, एक एक चीज़ फोकस की जा रही थी। कोई भी प्रॉब्लम होने पर तुरंत रूप से हमें उस रिसोर्सेज को उपलब्ध कराया जा रहा था, तो उस कारण से हम इसको 3-4 दिवस में हम कर पा रहे हैं। ये भी सूचना है, हमें कहा जा रहा था कि कुछ जगहों पर कुछ लोग इधर उधर मूव कर सकते हैं या कहीं चले गए होंगे, तो उसके लिए आज आर्मी की तरफ से एक स्निफर डॉग की भी सपोर्ट लिया गया और उसको भी आज हमारे जो जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं उनके माध्यम से अलग अलग रास्तों पर जाकर के भी उसका उपयोग किया जा रहा है।